आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी बाजरा टोस्ट, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगता है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बाजरे का आटा, आधा कप दही और 1 कप पानी डालकर हम इसका एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर हम तैयार करेंगे। ये देखिए, अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो अब मैं इसमें कुछ सब्जियां मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर। उसी के साथ में ग्रेट करी हुई गाजर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी मिला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैंने मिलाई है वही सब्जियां आपको भी डालनी है। आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट। ये ऑप्शनल है डालना, अगर आपके पास में नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद में मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, तो चलिए हम इसके ब्रेड टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर व्हीट ब्रेड है, आप अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो इस ब्रेड के ऊपर जो हमने बैटर बनाया है उसकी एक मीडियम थिक लेयर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं लगाना है, मीडियम थिकनेस रखनी है इसकी। तो इसे मैंने अभी अच्छे से लगा दिया है। अब एक पैन में मैं घी गरम करूंगी। जैसे घी हल्का सा गरम हो जाएगा और ये जो ब्रेड हमने तैयार करी है वो उसके ऊपर हम डाल देंगे। अब जो ऊपर की साइड है वहां पर भी हम ये बैटर लगा देंगे। और उसे अच्छे से सभी तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पर कुक करेंगे। फिर से इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी मैं, आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं। और इसे हम पलट देंगे। अब इसे दूसरी तरफ से भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसे दोनों तरफ अलट पलट कर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे। अब ये 1 टोस्ट हमारी रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे टोस्ट बना लूंगी। और इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी या फिर केचप के साथ में सर्व करें। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।